हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यूट्यूब पर सबसे ज्यादा एक चीज का ऐड आपने देखा होगा, वो है vidIQ। vidIQ एक ऐसी वेबसाइट है जिससे सबसे ज्यादा लोग यूज करके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर गेन करते हैं, व्यूज वगैरह गेन करते हैं। क्या ये चीजें रियलिटी में होती हैं? इन चीजों के लिए कोई आपको पे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? इन सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि मैंने vidIQ पर्सनली यूज किया अपने एक चैनल पे, जो कि चैनल बिल्कुल बंद हो गया जिस दिन से मैंने vidIQ लगाया। ऐसा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। शायद मैंने वो फ्री वाली के चक्कर में यूज किया, लेकिन जो मेरा ये नया चैनल है इस पर मैं कभी vidIQ नहीं लगा था इसी डर की वजह से, क्योंकि मेरे एक चैनल बंद हो गया था। लेकिन ऐसा होता नहीं है शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म बताता हूँ, vidIQ आपके साथ करता क्या है और vidIQ का काम क्या है। देखो, मैं आपको ना ये कह रहा, आप यूज करना आपकी मर्जी रह जाती, मेरा बात काम है जो आपको बता दूँ ये काम करता है कैसे और इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक डिटेल दे दूँ कि आप इस चीज़ में फंसे ना। सबसे पहले जब आप vidIQ का कभी भी ऐड देखते हैं तो आप उस पर लॉग इन करके आराम से जा सकते हैं, अपनी जो भी ईमेल वगैरह होती है उसे डाल के आपका चैनल ऑटोमेटिक शो करने लगता है। उसमें आपको ये नहीं कि कहीं से डालना पड़ता है, ये कोई कठिन काम नहीं है। आप लॉग इन करेंगे ऑटोमेटिक उस ईमेल पे आपका जो भी चैनल होगा वो शो करने लगता है, उसकी सारी डिटेल्स शो करने लगती हैं, उसके व्यूज़ वगैरह, वॉच टाइम एंड उसमें कितने टाइम बचा है मोनेटाइज होने में, या सारी चीज़ें शो करने लगती हैं उसमें। आप जब कोई वीडियो उस पर डालते हैं तो vidIQ आपको एक ऑप्शन भी देता है कि आप उसमें अपना टाइटल एक नए तरीके, वो टाइटल की 4-5 ऑप्शन दे देगा। आप टाइटल भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जो जैसे आपने कोई टाइटल लिखा लेकिन आपकी वीडियो के लिए और कुछ फनी टाइटल या कुछ ऐसा टाइटल जो लोगों को एकदम अट्रैक्ट कर दे, ऐसे टाइटल 2-4 दिखा देता है वो, तो आप उसमें से कोई सा भी लगा सकते हैं। ये एक फ़ायदा होता है। डिस्क्रिप्शन वगैरह में थोड़ी हेल्प मिल जाती है, टैग्स वगैरह लगाने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है, लेकिन इससे क्या वीडियो एकदम चल जाती है? मुझे तो नहीं लगता है, नहीं चलती शायद ऐसे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। कोई कोई वीडियो होती है जो आपके बहुत सारे व्यूज़ आते हैं उस पर ना टैग्स होते हैं। देखो, YouTube खुद कहता है कि आप टैग्स से या टाइटल से या थंबनेल काम करता है सिर्फ, सबसे ज़्यादा अगर किसी में रोल प्ले करता है थंबनेल और टाइटल, ना टैग्स किसी के काम के होते हैं ना और चीज़ें जो भी हम YouTube में करते हैं, वो एक सिर्फ बेसिक किसी भी नेक्स्ट पर्सन को आप जो भी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, मान लीजिए आप एंड स्क्रीन लगाते हैं, आई बटन लगाते हैं, इन सारी चीज़ों से यूट्यूब की वीडियो थोड़ी प्रोफेशनल लगती है, ना कि आपकी वीडियो एकदम वायरल होने के लिए कुछ भी आपने डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि vidIQ पर मैं चला जाऊँ तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि vidIQ फ्री नहीं है। आप अगर 2-4 दिन यूज करेंगे भी फिर उसके बाद वो फ्री नहीं है, उसके बाद आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। आपसे वो पैसे चार्ज करेंगे, मैसेज डालेंगे, बार बार आपके लिए ईमेल डालेंगे, सारी चीज़ें डालते रहेंगे, आप कैसे भी पे करें उसे यूज करने के लिए। 20,000 पर मंथ तक, पर ईयर 20,000 पर ईयर से भी ज़्यादा वो चार्ज करते हैं अगर आपको उनका पर्सनल सारी चीज़ें ओपन करानी, और आपको एक ऐसा क्यूरियस कर देंगे उसके बारे में कि आपके पास अगर पैसा है तो आप जरूर से डाल देंगे उसमें। आपको टाइटल मिलेंगे, आपको उसमें दिखाएंगे, अगर और टाइटल मिलते अगर आप इतने पैसे देते, तो आप पैसे नहीं देते इसलिए आपको कम टाइटल मिले, या आपने टैग इतने कम मिले क्योंकि आपने पैसे पे नहीं किए, आपको ये चीज़ आपको कम मिली क्योंकि आपने पैसे पे नहीं किए, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं और आप सोचते हैं कुछ अलग हो जाता है, अगर मैंने पैसे दिए होते इनको तो ये मेरी वीडियो एकदम से वायरल करा देते। अगर ऐसा होता तो हर घर का बड़ा आदमी या हर चीज़ में बड़े जो लोग होते हैं, अमीर होते हैं, वो पहले से बेमस हो जाते। ऐसा नहीं होता है। तो आप एकदम से ऐसे नहीं कि आपके पास कमी है लेकिन आपने अपने इक्विपमेंट नहीं खरीदे, लेकिन इक्विपमेंट की जगह आपने vidIQ रुपए दे दिए कि मेरा चैनल ऐसे ही ग्रो हो जाएगा। अगर आपके पास 20,000 है तो अच्छा सा फ़ोन ले लो, अच्छा सा कैमरा ले लो, अच्छा स्टैंड ले लो, माइक ले लो, कंप्यूटर ले लो अच्छा सा, तो ये सारी चीज़ें आप कर लो। इसकी बजाय आप ये नहीं कि vidIQ पर रुपए डालें कि मेरा चैनल ऐसे ही ग्रो हो जाएगा। मान लीजिए 1% मानते हैं कि vidIQ आपको एक अच्छा टाइटल देता है, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है, अच्छे टैग्स देता है, उसके बाद भी आपके चैनल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये रहती है कि अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं हुआ तो। आप 1% मानिए आपका कंटेंट अच्छा नहीं, तो फिर भी अगर आपके किसी भी वीडियो पे इंप्रेशन 500 जाते हैं, 100 जाते हैं, 50 जाते हैं, और उसकी जगह 2,000, 10,000, 50,000 जाने भी लगे, लेकिन आपकी लोग वीडियो देखने नहीं चाहते, थंबनेल आपको खुद बनाना है, थंबनेल आपको बनाना नहीं आता, आपने अपनी स्किल पर कोई रुपया खर्च किया नहीं है, आपने थंबनेल बनाना सीखा नहीं है, आपने वीडियो एडिटिंग सीखी नहीं है, आपने कुछ भी सीखा ही नहीं है, आपने सिर्फ क्या किया, vidIQ पर रुपये डालते हैं जो भी आप रुपये डालना चाहते हैं। तो मेरी एक राय मानिए, vidIQ यूज करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नहीं आता तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, आप प्लीज कमेंट में बता देना, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा शॉर्ट में तुरंत थोड़ी सी। लेकिन मेरी आप एक राय माने, उसमें पैसे बिल्कुल से मत डालना। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप डाल दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हैं तो आप डाल के देख लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी बात माने, आप पैसे मत डालना उसमें।
आप अपने इक्विपमेंट खरीद लीजिए, आप कोई कोर्स कर लीजिए, आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल या कोई सी भी स्किल एक अच्छी कर लीजिए, उससे आपके चैनल ग्रो हो जाएगा, आपका कंटेंट अच्छा, चीज़ें ग्रो हो जाएंगी। लेकिन आप अगर बिड़ाई के चक्कर में पड़ेंगे, अगर वो आपके इम्प्रेशन बढ़ा भी देता है एक बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी या आप बहुत फेमस हो जाएंगे। अगर आपकी कंटेंट में दम नहीं है तो आपने भी देखा है बहुत सारे लोग गूगल एड्स कराते हैं, सबसे टॉप पे आते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, लेकिन उनके चैनल कभी फेमस नहीं होते। आपने देखा होगा वो तो इन लोगों का काम है, इनके पास कंपनी करोड़ों कस्टमर है, इन्होंने तो आपकी वीडियो बस भेजनी है उन लोगों के पास, ये तो कर देंगे, लेकिन आपकी वीडियो कोई नहीं देखता, ऐसे कुछ नहीं होता। इनसे आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी है, आपके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास इक्विपमेंट भी सारे हैं, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हो, उसके बाद आप यूज कर सकते हो, आप फेमस हो पहले से, आप तो यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको टाइटल थंबनेल अच्छे अच्छे लगाने, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप कुछ नहीं हो, पैसे वेस्ट मत कर देना। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है फ्री आप कर सकते हो, इसमें भी आप अगर पैसे लगाने लगोगे विदाउट स्किल, आप स्किल है नहीं फिर भी पैसे लगाओगे तो कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा आप स्किल पर पैसे लगाओ, आप कोई सी भी स्किल सीख लो, वीडियो एडिटिंग, कैनवा सीख लो, कुछ भी सीख लो, आप एक्सपायर्ड, आप कुछ भी सीख जाओगे यूट्यूब पर काम आएगा, लेकिन फालतू में ऐसे रुपए डाल के यूट्यूब पर ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं कि मैं बढ़वा दूंगा, वो बढ़वा देगा, कोई भी नहीं बढ़वा पाता, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। जिसके 4 मिलियन हो, 5 मिलियन हो, उसने कुछ काम किया वो आपको कह भी देगा मैं बढ़वा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो भी है सावधान रहें, सतर्क रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए